रतन सूत्र नंबर 16, 17, 18 महामच्छु विजय सूत्र या महामृत्यु विजय सूत्र या महामृत्युंजय महामच्छुंजय विजय सूत्र के आखिरी ये गाथाएं हैं। 15 तक जो गाथाएं हैं उसमें संघ के, धम्म के और बुद्ध के जितने गुण हैं अच्छे अच्छे वो बताए गए हैं, और जो ये 16, 17, 18 है इसमें धम्म को और संघ को और बुद्ध को नमस्कार किया गया है, वही जो पहली गाथा और दूसरी गाथा है उसके साथ ही। तीनों गाथाएं लगभग ऐसी हैं, बस लास्ट में एक सेंटेंस बदलता है बुद्ध को, धम्म को और संघ को। यानीद भूतानी समागतानी भुम्मानी वा यानी वे अंत लिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्साम सुवत्ति होतु धम्मं नमस्साम सुवत्ति होतु संघं नमस्साम सुवत्ति होतु। यानीद भूतानी समागतानी, ये बड़ा फेमस वाक्य है। यानीद भूतानी का मतलब है इस समय जितने भी भूत हैं, भूत का मतलब है प्राणी जो प्रेजेंट में हैं, प्राणी हैं। समागतानी मतलब सब एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, जो इकट्ठे हैं। भुम्मानी वा यानी वे अनंत लिखे, भुम्मानी वा यानी कि जो पृथ्वी पर हैं या वो जो आकाश और अंतरिक्ष के बीच में, पृथ्वी के बीच में सारे विद्यमान हैं। तथागतं देव मनुष्य पूजितं, तथागतं को यानी तथागतं का मतलब है तथागत को, बुद्ध को। देव मनुष्य पूजितं, देव मनुष्य जिनको पूजता है यानी कि जो पूजित हैं देव और मनुष्य के द्वारा, उन तथागत को। बुद्धं नमस्साम सुवत्ति होन्तु, बुद्धं नमस्साम सुवत्ति होतु, हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं। सुवत्ति होतु, सुवत्ति होतु का मतलब है स्वास्थ्य हो, सब ठीक हो, सबका कल्याण हो, सब मंगलकारी हो, सब स्वस्थ हो जाए, महामारी खत्म हो जाए, सारे प्राणी दोबारा से ठीक हो जाए, सूखा चला जाए, भुखमरी चली जाए, ऐसा हम बोलते हैं। फिर हम दूसरे में यानी ये 16 है और 17 में हम बोलते हैं धम्मं नमस्साम सुवत्ति होतु। बाकी तीनों लाइन सेम रहती हैं। यानीद भूतानी समागतानी भुम्मानी वा यानी वे अंत लिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं धम्मं नमस्साम सुवत्ति। 17 नंबर है और 18 नंबर में यानीद भूतानी समागतानी भुम्मानी वा यानी वे अंत लिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं संघं नमस्साम सुवत्ति होतु। इस प्रकार तीनों जो बुद्ध धम्म और संघ हैं उनको नमस्कार करके ये जो रतन सूत्र है, ये रतन सूत्र यहाँ पूरा होता है। रतन सूत्र को हिंदी में और पाली में मैंने पूरा सीरीज में बताया है, फिर भी मैं एक बार आपको एक हिंदी में इसका सरल, क्योंकि अभी तो सब लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी का मतलब है पाली ही हिंदी है, हिंदी नाम तो इसका भी पड़ा है 180 साल 200 साल पहले, उससे पहले तो हिंदी नाम था भी नहीं कहीं, तो पाली भी नाम इसको बाहर के लोगों ने दिया है। आप इसको कौसली या मगधी या बुद्ध की भाषा या बुद्ध से पहले की भाषा या शाक्य की भाषा बोल सकते हैं। धन्यवाद।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shut up.